सूल करी मम्माबाद तेईस अगस्त को हिंदुस्तान का चंद्रयान थ्री चांद पर लैंड किया और उस जगह लैंड किया जहां अभी तक कोई और लैंड कर चुने किया था इन्हें चांद के जुनूबी पोल पर लैंड किया ये डार्क हिस्सा है और हमारा मुल्क चौथा मुल्क बन गया जो चांद पर गया है मैं उनको मुबारकबाद देता हूं इसलिए हमारा भी मुल्क है इस सिलसिले में चंद बातें अर्ज कर दू पहली बात यह है कि फिजाओं में करोड़ों सूरज है और इस सूरज में गैस है गैस जलता है तो उससे रोशनी पैदा होती है गर्मी पैदा होती है और मगनातीस पैदा होता है खास और मगनातीस को जैसे सारे सूरज फिजाओं में घूम रहे हैं मोल्लक है करोड़ों सूरज को अल्लाह ने पैदा किया और फिजाओं में है मोल्लक है किसी चीज पर अटका हुआ नहीं है उसी के साथ हमारी जमीन भी है सूरज के साथ कई सयारों के साथ ये भी है और जमीन का एक हिस्सा चांद है कुछ लोगों का कहना है कि साढ़े चार अरब साल पहले चांद जमीन से अलग हुआ और वो अलग गर्दिश करना शुरू कर दिया तो ये चांद का ही गोया के हिस्सा है ये ज्यादा से ज्यादा इसकी उम्र चांद की चार अरब तिरपन करोड़ साल है चार अरब तिरपन करोड़ साल और जमीन से जो दूर जाता है वो चार लाख छह हजार किलोमीटर और करीब से करीब तक जो आता है वो तीन लाख छप्पन हजार किलोमीटर तक के करीब आता है इतना दूर जाता है इतना करीब आता है ये जमीन से जीरो पॉइंट जीरो टू जीरो गुना छोटा है बहुत छोटा है जमीन से चांद इसमें गर्मी होती है वन टू सेवन एक सौ सत्ताईस सेंटीग्रेड गर्मी होती है चांद में और सर्दी देखो तो सर्दी एक सौ तिहत्तर सेंटीग्रेड सर्दी हो जाती है तो गर्मी भी बहुत ज्यादा है सर्दी भी बहुत ज्यादा है चांद में यह है परेशानी इंसान को जिंदा रहने के लिए मुनासिब गर्मी और मुनासिब सर्दी है चाहिए अगर सर्दी ज्यादा होगी तो बर्फ बन जाएगा गर्मी ज्यादा होगी तो जल जाएगा चूंकि चांद पर एक सेंटीग्रेड गर्मी है और जब सर्दी होती है जहां तो वहां एक सेंटीग्रेड सर्दी है तो बर्फ बन जाएगा इसलिए वहां रहना है मुश्किल इंसान का वहां गैस भी नहीं है मुनासिब चीजें भी नहीं है हाँ अल्लाह ताला वहां किसी मखलूक को पैदा कर दे तो वहां के मखलूक वहां रह सकता है जैसे कि पानी के अंदर मछली रहती है हम नहीं रह सकते खुश्की के अंदर हम रह सकते हैं मछली नहीं रह सकती अल्लाह ने पैदा किया है ऐसे वहां के मखलूक को अगर किसी को पैदा कर दे तो वहां मखलूक रह सकता है। हमारा वहां रहना है जरा सा मुश्किल तो ये चांद जमीन के इर्द गिर्द घूमती घूमता रहता है और इसमें सर्दी भी ज्यादा है और गर्दी भी ज्यादा है चांद जो दौड़ता है वो एक मिनट पर 61.32 किलोमीटर दौड़ रहा है एक मिनट में इतना तेज वो दौड़ रहा है बाकी कोई आदमी चांद पर जा सकता है या नहीं ये लोगों ने सवाल किया है जवाब यह है कि कुरान पाक ने बहुत पहले कह दिया है सुबहान लजी असरा बी अब्दीलमस्जिद हराम इलाम मस्जिद पाक है वजात जो नबी करीम सुल्लासम से मस्जिद हराम से उठाया मक्के मकरमा से और मस्जिद अक्सा ले गया और वहां से मेराज पर आसमान पर ले गया तो जो खुदा आसमान पर हजरे पाक सुल्लम को जिंदा जावेद ले जा सकता है उस खुदा की कुदरत है कि कोई आदमी चांद पर भी जा सकता है चांद को ज्यादा दूर भी नहीं है वो तो चार लाख छह हजार किलोमीटर ज्यादा ज्यादा दूर है तो चार लाख छह हजार किलोमीटर इस दौर में जाया जा सकता है मशीन जा सकती है इसलिए कोई इनकार की चीज नहीं है कि भी जा सकता है या नहीं जा सकता ऐसा कुछ नहीं है जा सकता है पुराने पाक ने बहुत पहले कह दिया है कि जा सकता है इसलिए वह कोई इनकार की नहीं अलबत्ता वहां रहना है मुश्किल तो ये चंद चीजें थी जो मैं अर्ज कर चुका हूं और अल्लाह पर तला की कुदरत देख लेके करोड़ों सूरज को उसने पैदा किया फिजा मोहल्ल है और पता नहीं वहां हयात है कि नहीं ये जो कुछ मैंने बयान किया ये साइंसी तहकीकत है मून विकीपीडिया पर ये सारी तहकीक मौजूद आप खुद भी जाके वहां ले सकते हैं मैं समीरजन कासमी बोल रहा हूं मानचेस्ट इंग्लैंड से कोई गलती हुई तो माफ करना सलाम वरहमतुल्लि वरक